आप पता करना चाहते हो आपको लगता है गाइस कि जीएलसी जो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र की उसके भी कुछ कॉन्स हो सकते हैं प्रॉस या आई नो काफी सारे एडवांटेज है इसके लेकिन गाइस आपको चॉइस करना है कि आइदर जीएलसी में जाना है या नहीं आना है सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड और कोई भी डाउट्स हो देन डाउट सो दे बिलो कमेंट सेक्शन एंड यस गाइज वहां मैं आपके सारे आंसर्स देने वाला हूँ एंड इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी पता चले जी एल सी टारगेट करना है या फिर नहीं करना है ओके सो बैचेज वी ऑलरेडी लॉन्च ऑल दोज कैंडिडेट वो ऑन आर प्रिपरेशन फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर दैन बचेज वी ऑलरेडी लॉन्च यू कैन ज्वाइन अस अवर क्लासरूम कोचिंग एट मुंबई सो कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड बुक यूस सीट एट बोरीवली वसई एंड दादा सेंटर पैन इंडिया स्टूडेंट्स यू कैन एट्रैक लाइव विथ अस so call on 8828581455 or you can visit our website manualradu.com slash law entrance guys you will get all these features the live class book study material shortcut tricks doubt class recorded videos milne wala jisse aap apna basic strong bana topic test mock test whatsapp group 10,000 plus questions and the mentorship you will get complete guidance about the cap round program too so what are you waiting for just call on this particular number and book your seat right now so here we start the video why glc when there are a lot of colleges in the maharashtra guys 145 and 130 plus respectively colleges are there with respect to law 3 years and law 5 years but all these are government colleges no guys government aided colleges are there unaided colleges are there unaided minority colleges are there and even the government aided minority colleges are there but still everyone wants glc mumbai why Might be कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं सच एज दी लोकेशन फर्स्ट कॉलेज रेपो क्या कहता है फैकल्टी कैसी है कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सपोजर कैसा है इंटर्नशिप कैसे होने वाली वहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या कहती है, है माइट भी ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन क्या आपको लगता है एट द टॉप है सारी फैसिलिटीज मिल रही है आपको लोकेशन का एडवांटेज है कॉलेज रेपो है फैकल्टी बेस्ट है एक्सपोजर मिलने वाला है फीस तो ऑलरेडी कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और प्लेसमेंट मिलने

क्लासरूम हैं बट टेक्नोलॉजिकली इतने अच्छे नहीं है गाइज सारी फैसिलिटीज नहीं है जो एक अनएडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है वैसी फैसिलिटीज आपको यहाँ नहीं मिल पाएगी वाईफाई कनेक्शंस हो या फिर स्मार्ट बोर्ड्स हो या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है सो तो फैसिलिटी वैसी है और काफी पुरानी कॉलेज है ओके नाउ इफ टॉक अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज Clear no. guys, hostel facilities नहीं है जीएलसी मुंबई में अब क्या अब जो स्टूडेंट्स है क्या वो target करना छोड़ देंगे GLC को? क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज वहां नहीं है डोंट वरी गाइज इसके बारे में मैंने इन डिटेल वीडियो बना रखी है you can watch that particular video too, कि hostel facilities अगर नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते नियर बाय आपके काफी हॉस्टल फैसिलिटीज आ दे नाउ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें देन गाइज एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा वर्क नहीं करता है बींग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए आई नो कि सारे फैसिलिटीज़ यहाँ अच्छी तरह से होनी चाहिए क्योंकि यह टॉप की कॉलेज है सेकेंड वन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ गाइज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपके इंडोर कोई कैंपस में कोई ग्राउंड नहीं है ओके okay, आउटडोर में हो सकता है वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती है लेकिन इंडोर नहीं है एंड दास्ट वन दवर्नमेंट कॉलेज टैग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक गवर्नमेंट कॉलेज है दट मीन्स प्लेसमेंट नहीं होगा फीस चलो कम होगी लेकिन फैसिलिटीज हमें नहीं मिलेगी लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इवन कंसिडरिंग ऑल दीज कॉन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े टू गेट इंटर इन टू दी एल सी एंड वाई लेट्स फाइंड आउटर सो लेट्स दॉज नाउ इट्स सेव फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन का लोकेशन का यह सबसे बड़ा फायदा है एंड वॉट एक्सैक्टली गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिचुएटेड इन दाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया नन अदर दैन द मुंबई यस गाइस मुंबई में है एंड व्हाई? बिकॉज यहाँ स्टॉप लीगल फर्म्स है सारे कॉर्पोरेट हाउसेस है एमएनसी कंपनीज आते हैं एंड इवन द ऑफिस आते हैं सो टोटल एक्सपोजर आपको मिलता है सो फर्स्ट बेनिफिट द लोकेशन एंड गाइज मुंबई में है दैट मीन्स यहां आपका करियर सेट है क्योंकि यहां आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाई कोर्ट सो टोटल एक्सपोजर थियोरिटिकल एंड ऑल्सो दी प्रैक्टिकल्स एंड इफ अबाउट द फीस स्ट्रक्चर हम ये तो जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है फीस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत कम होगा लेकिन इतना कम हो सकता है गाइस यस सिक्स थाउजेंड पर ईयर सो फॉर थ्री इस एटीन थाउजेंड एंड फॉर फाइव इस इट इज जस्ट थर्टी के यस गाइज फीस स्ट्रक्चर काफी नॉमिनेट है सो अल्टीमेटली यहां आपको आर तो बेस्ट मिलने ही वाला है लेकिन क्या प्लेसमेंट स्टैट हमें उस तरह के मिलते हैं फ्लैक्सिबिलिटी द टाइम एंड फ्लेक्सीबिलिटी ये गाइज यहां जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज है अगेन मैं बता दू ऑल दो कैंडिडेट जिनको लगता है कि यहाँ फैसिलिटीज नहीं है गाइज यहाँ की जो लाइब्रेरी है, है और जो लाइब्रेरी में जो किताबें हैं गाइज यू विल फाइंड एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीज की भी बुक्स इन साइड द लाइब्रेरी सो बेसिकली अगर आपको हिस्ट्री जाननी है किसी चीज की या फिर लीगल फील्ड की देन गाइज सबसे बेस्ट कॉलेज है आपके लिए glc mumbai because it is asia's oldest law school which established in 1855 guys and it's providing quality educations from last 160 years yes guys nam si famous new सो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिल जाती है क्योंकि यहाँ के जो लेक्चर्स है गाइस फोर टू फाइव आवर्स के लेक्चर्स होते हैं डेली नाउ आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी एंड दे आफ्टर जब थर्ड ईयर जब ये क्लासेस मॉर्निंग में स्टार्ट होने लगेंगे देन फोर टू फाइव आवर्स के लेक्चर्स के बाद आप डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो सो दैट्स वाई यहाँ से सबसे अच्छा बेनिफिट है कि यू कैन एड ऑन द कोर्सेज येस गाइज यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द एड ऑन कोर्सेज सच एज दार्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड सिक्योरिटी एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट ये सारे कोर्सेज आप एडवान कर सकते हो जिससे आपका एकेडमिक भी स्ट्रॉग होगा एंड इवन यू विल एड लॉट ऑफ स्किल्स इन न्यू रेज्यूम नेक्स्ट वन बात करें देन सलिसिटर्स जीएलसी मुंबई इज वन ऑफ द फ्यू कॉलेज इन इंडिया वो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सलिसिटर्स नाव यू कैन इनरोल फॉर द सलिसिटर्स जहां आप एक आर्टिकल क्लर्क के रूप में काम कर सकते हो गाइज सो so, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर सकते हो एंड द नेक्स्ट वन द कंपटीशन पार्ट गाइस कंपटीशन के लेवल में जीएलसी मुंबई का काफ़ी अच्छा नाम है इंटरनेशनली एंड इवन द नेशनली बहुत सारे डिबेट्स मूड कोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां यहाँ के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड ऑल्सो दे वॉन्ट द प्राइजेस सो मूड कोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ काफ़ी स्ट्रॉग है एंड इवन दी जनकार इट इज़ द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द जीएलसी मुंबई जो काफ़ी फेमस है सो बेसिकली यह आपको एक्सपोजर मिलने वाला है गाइज डोंट वरी कि यह कोई ये कोई अनएडेड कॉलेज नहीं है वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन हाँ इस कॉलेज के अंदर काफ़ी कुछ है गाइज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दट इज़ नथिंग वोट द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप गाइस, ड्यू टू फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ ऑल दिस लेक्चर्स फोर टू फाइव ईयर्स का ड्यूरेशन एड-ऑन कोर्सेज कर सकते हो सलिसिटर्स एंड ऑल्सो इंटर्नशिप आप इंटर्नशिप के लिए देर आर पैंडोर ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज बेसिकली सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से ही आपकी इंटर्नशिप यहाँ से स्टार्ट हो जाती है and all those interested candidate can also grab the benefit of this judiciary the internship under the legal legend so basically due to high court जो नियर बाय है गाइज यहाँ काफ़ी सारे जो जजेस हैं लीगल लेजेंड्स हैं उनके अंडर में बैठ के यहाँ काम कर सकते हो सलिसिटर्स बेसिकली क्या होता है जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ओके नाउ यहाँ आप वो सब काम कर सकते हो और बेसिकली जो आपकी थियरी है उनको प्रैक्टिकल्स में कैसे अप्लाई किया जाता है ये आप हाई कोर्ट विजिट करके देख सकते हो सो दैट्स वाई जीएलसी का सबसे सब बेस्ट फायदा यह है कि जो भी आप सीख रहे हो उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए ये आप जान सकते हो सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग गाइज क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ जीएलसी के नजदीक है इफ यू ट अबाउट द अदर कॉलेजेस देन उनसे ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो जीएलसी मुंबई से मिलती है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की बात कर रहे थे गाइज हम सो so प्लेसमेंट यहां

वाला, लाल कृष्ण आडवाणी जस्टिस एम सी छागला एंड नॉट इवन दीज बट फाइव दीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर्स इवन इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट लीडर्स पॉलिटिशियंस रिफॉर्मर्स इंडस्ट्रियालिस्ट सीनियर काउंसल्स एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सो गाइस एलुम बेस यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है यू कैन गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट टू चेक कर सकते हो एंड डोन्ट फर्गेट दिस हमेशा एक नेटवर्क फॉर्म करता है जो आपकी पर्टिकुलर कॉलेज और उस पर्टिकुलर लीगल फॉर्म हो या फिर कॉर्पोरेट हाउस हो या एम एन सी कंपनी हो उनके बीच एक टाइप फॉर्म करता है ओके okay? सो so अब मुझे बताओ गाइस आई दर यू टारगेट दी जीएलसी और नॉट द्रॉज एंड ऑन इन फ्रंट ऑफ यू नाउट डिसाइड चॉइसिस इज योर हमें टारगेट करना है या नहीं करना है बट इफ यू वन आ टारगेट देन गाइज आउट ऑफ वन फिफ्टी यू हैव टू स्कोर वन ट्वेंटी प्लस एंड एज कॉम्पिटिशन गोइंग टफर ईच ईयर At 10 to 15 marks more if you belongs to the open category I and mean, even the OMS category, okay, guys. So that's all from my side. If you like the video, hit the like button and do show to all of your friends. And yes, one of preparation, then join our classroom coaching at Vorioli Vasai and tada or you can interact live with us for all exam updates and notifications. Follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side, guys. All the best for your career. See you in the next video.